गुड इवनिंग टू ऑल स्ट्रेंड्स वेलकम टू वाई फाई स्टडी चैनल आप सभी का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पर और कैसे हैं आप सभी उम्मीद करती हूँ कि आप सभी यहाँ पर अच्छे होंगे बिल्कुल आप लोगों की लाइव क्लास यहाँ पर चल रही है लाइव क्लास यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी है चलिए तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए इसके अलावा मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हमारा जो अन अकेडमी का एक दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है साइंस सावन चैनल उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ओके सभी आ गए हैं ठीक है प्रवीण नमस्ते मान सिंह नमस्ते चित्रंजन मंडल नमस्ते सभी को नमस्ते सभी को बहुत सारा प्यार सभी को प्रणाम और क्लास जो है वो बहुत ही शानदार तरीके से आप लोगों की चल रही है और कल से आप लोगों के लिए साइंस की एक स्पेशल क्लास यानी कि केमिस्ट्री का एक स्पेशल फाउंडेशन बैच अनएकेडमी एप्लीकेशन में पढ़ाया जाएगा तो आप लोग बिल्कुल इसके लिए तैयार रहिए और यूपीएसआई और रेलवे वाले जो स्टूडेंट्स हैं साथ ही एसएससी के स्टूडेंट्स हैं वो भी उसको कर सकते हैं लेकिन यह रेलवे सेक्शन में रहेगा जिसको मैं पहले ही आप लोग को यहाँ पर बता देती हूँ ठीक है और अगर आप लोग को मेरी क्लास यहाँ पर अच्छी लगती है तो आप सभी इसके लिए मुझे अनएकेडमी एप्लीकेशन में फॉलो कर सकते हैं उसके लिए आपको सबसे पहले अनएकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड करना पड़ेगा और गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर में आप लोगों को जाना होगा और वहां से डाउनलोड करना होगा डाउनलोड करने के बाद रेलवे कैटेगरी uh, में मैं इस टाइम पर पढ़ा रही हूँ उसमें अमृता मैम लिखने से या आप मेरा कोड भी वहाँ पे यूज कर सकते हैं तो मैं आप लोग को यहाँ पर दिखा दिखाई दूंगी और मॉर्निंग uh, में दस बजे से मेरा पेड कोर्स में और दिन में एक बजे फ्री लाइव सेशन होता है तो आप सभी मुझसे एक बजे भी अन अकेडमी एप्लीकेशन में जुड़ सकते हैं अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं किसी भी टीचर का कोर्स परचेज करना चाहते हैं या फिर फ्री लाइव सेशन देखना चाहते हैं तो आप सभी यहाँ पर मेरा कोड यूज कर सकते हैं जो कि है अमृता एस जिससे आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा अच्छा क्लास अच्छी लगती है बिल्कुल तो आप लोग पेड कोर्स सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और इसके साथ-साथ ही आप लोग लाइव सेशन जो मेरा चलता है फ्री लाइव सेशन जो क्लासेस चलती हैं वो भी आप लोग यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं चलिए <coughs> ये क्या देख रहा है माइक्रोस्कोप में डायनासोर से पूछना पड़ेगा ठीक <laughs> है अंकित राज दुर्गेश हिमानी सभी आ चुके हैं और जल्दी से आप सभी इसका यहाँ पर आंसर करेंगे नमस्ते हाँ और आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं बच्चा चलो अब फटाफट से स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और जो पहला क्वेश्चन है वह आप लोग की स्क्रीन पे आ चुका है ठीक है बिल्कुल मैं यहाँ पर साइड हो चुकी हूँ देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है पहला क्वेश्चन है यहाँ पे फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय अगर हम यहाँ पर फॉर्मिक फॉर्मिक एसिड एसिड के बारे में बात करते हैं, तो जो होता है, वह किसके द्वारा यहाँ पर उत्पन्न किया जाता है चलो चले से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा फॉर्मिक एसिड की अगर हम बात करते हैं तो फॉर्मिक एसिड किसके द्वारा यहाँ पर उत्पादित किया जाता है चलिए जल्दी से बताइए यहाँ पर नमस्ते अनवर नमस्ते सिद्धार्थ हेलो नमस्ते सभी को राकेश अंकित मोहित राज और वैशाली नवीन राज चलो जल्दी से बताएंगे रेड आंट ओके ओके ठीक है तो यहाँ पे कुछ बच्चे कह रहे हैं रेड आंट कुछ बच्चे कह रहे हैं व्हाइट आंट जल्दी से आंसर करेंगे ठीक है राज रंजन क्या हाल है मैम बहुत बढ़िया हाल है बहुत शानदार है चलो अब जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा देखते हैं कितने बच्चे यहाँ पे सही करते हैं कुछ बच्चे रेड कह रहे हैं कुछ बच्चे यहाँ पर व्हाइट कह रहे हैं बताओ जल्दी से नमस्ते इंद्रेश नमस्ते बहुत अच्छा तो रेड आंट वाले हैं वह जीत गए ठीक है तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करे हैं तो जो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है रेड आंट आपका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लीजिए जल्दी से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए तो जब भी हम यहाँ पर देखते हैं ठीक है ठीक है तो जब भी हम यहाँ पर देखते हैं तो जो लाल चीटियां होती हैं जब वो हमें काटती हैं तो उस टाइम पर वह फॉर्मिक एसिड का सिक्रेशन यहाँ पर करती है ठीक है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ठीक है स्वाति नेक्स्ट हम ने यहाँ पर बात करेंगे विच इज द लार्जेस्ट लिविंग बर्ड ऑन द अर्थ अगर हम इस पृथ्वी के बारे में बात करते हैं तो इस पृथ्वी में जो सबसे बड़ी बर्ड होती है जो सबसे बड़ा जो पक्षी होता है वह कौन सा यहाँ पर होता है ठीक है चलो आ, मेरी तबियत ठीक है इंद्रेश थैंक यू थैंक यू चलो जल्दी से बताओ अच्छा साइड हो जाते हैं चलो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत बढ़िया तो आंसर की अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑस्ट्रिच ठीक है टिंकू बहुत बढ़िया आंसर तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं <coughs> तो आंसर क्या हो जाएगा, जाएगा। <coughs> तो देखिए सबसे बड़ा पक्षी तो है लेकिन ये उड़ नहीं सकता है ठीक है तो ये फ्लाइटलेस होता है यह उड़ नहीं सकता है और साथ में आपको यह भी पता होना चाहिए कि अगर हम इसके अंडे के बारे में बात करते हैं इसके अगर हम अंडे के बारे में बात करें तो इसका जो अंडा होता है वो सबसे बड़ी जीवित कोशिका होती है यानी कि लार्जेस्ट लिविंग सेल ऑन अर्थ ठीक है और इसके अगर वेट के बारे में बात करते हैं तो वेट के हिसाब से भी वजन के हिसाब से भी यह काफी बड़ा यहाँ पर होता है वेरी गुड इवनिंग सभी को नमस्ते सभी को चलो आगे भी हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फ्लोइंग इज द स्मॉलेस्ट बर्ड अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे जो छोटा बर्ड होता है वह कौन सा यहाँ पर है चलिए जल्दी से आंसर करना यहाँ पर कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो प्यारे बच्चों अगर हम यहाँ पर बात मैम आप जहां जाओगी हम आपके पीछे पीछे आ जाएंगे हाउ स्वीट बहुत बढ़िया <laughs> तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपको बताना है कि हमिंग बर्ड्स यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा गुनगुना पक्षी लिख दिया गया है लेकिन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि यह जो होगा वो होगा हमिंग बर्ड ठीक है अब यहाँ पर इस बर्ड के बारे में एक स्पेशल जानकारी मैं आपको देती हूँ सबसे पहले तो ये छोटा सा होता है ना एकदम छोटा सा होता है और दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो हमिंग बर्ड होता है ना तो जैसे सारे पक्षियों को देखते हो तो वो कहाँ पर कैसे उड़ान भरते आगे की तरफ जाते हैं लेकिन यह एक ऐसा बर्ड होता है जो पीछे की तरफ उड़ता है और एक जगह स्टेबल भी हो सकता है तो इसीलिए अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर आप बताएंगे हमिंग बर्ड यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा और दूसरा जो मैंने आपको बताया है वो भी ध्यान रखना और एक क्वेश्चन और पूछता है कि ऐसा कौन सा बर्ड है जो सबसे तेज फ्लाई करता है सबसे तेज दौड़ता है या सबसे तेज उड़ता है तो उस टाइम पे आपको आंसर करना है कि जो आपका होता है स्विंग ठीक है वो सबसे स्विस्ट जो होता है वो सबसे ज्यादा आपका आ, तेज उड़ने वाला पक्षी यहाँ पर होता है नेक्स्ट देखेंगे अमंग द द फ्लोइंग इज लार्जेस्ट मैमल अगर हम यहाँ पर बात करें तो सबसे बड़ा स्तनधारी यहाँ पर कौन सा है ठीक है नागेश थैंक यू सो मच ठीक है हिमांशु नमस्ते बेटा चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा हाँ बैकवर्ड फ्लाई करता है हमिंग बर्ड करता है ठीक है चलो अब जल्दी से आंसर कर देंगे रत्नेश उसके लिए आप एक काम कर सकते हैं जो साइंस सेवन चैनल है उसमें सात बजे क्लास चल रही है आज पहली क्लास थी आप उसको फॉलो कर लीजिए आपका सारा सब कुछ बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा तो अगर हम यहाँ पे सबसे बड़े स्तनधारी के बारे में बात करते हैं जो तो सबसे बड़ा जो स्तनधारी है वो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर वेल हो जाएगा क्या हो जाएगा वेल आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लीजिए कि जो वेल है यानी कि जो बी ऑप्शन होगा वो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लीजिए वेल काफी जो बच्चे हैं वो एलिफेंट बता रहे बेटा भी सही है लेकिन तब जब टेरेस्ट्रियल मैमल लिखा हुआ हो यानी कि भूमि में पाए जाने वाला स्थल में पाए जाने वाला जो सबसे बड़ा यहां पर आप देखेंगे पूछा जाए तब आप हाथी आंसर करेंगे दैनसोर्स? नहीं होगा क्योंकि डायनासोर की अगर हम बात करें तो डायनासोर किसके अंदर आता है तो डायनासोर आपका आता है रेप्टाइल्स के अंदर शरीर के अंदर है ना तो जैसे मैं हमेशा बच्चों को सिखाती हूँ कि अगर हम यहाँ पर रेप्टाइल्स के बारे में बात करते हैं डायनासोर के बारे में बात करते हैं तो मैं हमेशा ये ऐसे याद रखती हूँ कि छिपकली का जो नाना है वो कौन है डायनासोर ठीक है तो क्योंकि छिपकली जैसा ही दिखता है थोड़ा थोड़ा सा मगर में छिपकली जैसा दिखता है पर बड़ा सा होता है रायनोसोर के बारे में अगर हम बात करें गेंडा तो ये प्रॉपर स्तनधारी है लेकिन इसका जो साइज होता है एज कंपेयर टू एलिफेंट और जो आपका वेल है उससे बहुत ही छोटा यह होता है ठीक है रत्नेश मैंने बता दिया बेटा आप सात बजे आप शाम के सात बजे साइंस हेवन चैनल पर आइए ठीक है जितने भी बच्चों को नहीं पता है वो बता देंगे साइंस हेवन चैनल पर आपको आना है साइंस लेवन पे मैं आप लोग की थ्योरी क्लास ले रही हूँ आज फर्स्ट क्लास थी आधे घंटा ही मैंने पढ़ाया है पर डेली आप आइए ठीक है डेली आप आ जाइए चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वो है निम्न में से कौन सा सबसे बड़ा पक्षी है <coughs> निम्न में से यहाँ पर कौन सा सबसे बड़ा पक्षी है ठाकुर नागेश सिंह बताइए जल्दी से आंसर करेंगे अब कुछ बच्चे यहाँ पे कह रहे हैं भैंस अरे बेटा भैंस से आ गया पक्षी के बारे में बात हो रही है चलो जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर सिक्स का कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा अभी जस्ट मैंने बताया था जस्ट मैंने बताया था आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर ऑस्ट्रिच पर बिल्कुल सही आंसर होगा अब अब यहाँ पे काफी बच्चे कह रहे हैं भैंस गधा डों है ना सबको डंकी मंकी बना दूंगी अभी मैं गलत आंसर नहीं करना है और इधर उधर की मस्ती बंद ठीक है चलो चलिए से बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा मैच द फॉलोइंग लिस्ट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पर देखें तो एक तरफ डिस्कवरी दिया हुआ है ठीक है और एक तरफ यहाँ पर नाम दिया हुआ है जिन्होंने डिस्कवरी की है तो एक तरफ डिस्कवरर और एक तरफ डिस्कवरी जेनर वॉरसन और लैंडस्टिनर फ्लेमिंग <coughs> चलो ठीक है श्वेता बताओ बेटा जल्दी से आंसर करो यहाँ पर ठीक है हिंदी में भी दिया गया है हिंदी में भी दिया गया है हिंदी में दिया हुआ है चलो जल्दी से बताओ ये. बहुत बढ़िया आंसर जो होगा वह सी आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही होगा वेरी गुड तो प्यारे बच्चों होगा क्या कि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं एडवर्ड जेनर के बारे में तो जो भी एडवर्ड जेनर है उन्होंने टीकाकरण के बारे में बताया था अगर हम यहाँ पे बॉटसन के बारे में बात करते हैं तो डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डीएनए इन्होंने बताया था लैंड स्टीलर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने ब्लड ग्रुप के बारे में बताया था और फ्लेमिंग की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो उन्होंने पेलीसिलियम की खोज यहाँ पर की थी है ना तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ज, जो आपके जेनर है उन्होंने यहाँ पर वैक्सीनेशन वॉरसर ने डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए और जो लैंड स्टीनर है उन्होंने ब्लड ग्रुपिंग और इसके साथ जो फ्लेमिंग है उन्होंने क्या बताया था पैरसिलीन की खोज यहाँ पर की थी तो इसीलिए जो आंसर जो हो जाएगा वो सी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता था ओके अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं नेक्स्ट है हमारा वो है पॉइजन ऑफ द हनी बी इज अगर हम यहाँ पर मधुमक्खी के बारे में बात करते हैं तो जो मधुमक्खी का जो जहर होता है वह किस तरीके का यहाँ पर होता है अच्छा बहुत बढ़िया हिमांशु बहुत बढ़िया नमस्ते सचिन प्रीतम बहुत बढ़िया चलिए ठीक है नाजिया <coughs> जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा एट का जल्दी से बताना है यहाँ पर तो प्यारे बच्चों आप सभी को पता होगा कि अगर हम यहाँ पर हनी बी के बारे में बात करते हैं नमस्ते सचिन अगर हम यहाँ पर हनी बी के बारे में यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी हनी बी है या जो भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस निकलते हैं जो भी पॉइजन निकलता है उसकी जो प्रवृत्ति होती है उसका जो नेचर होता है वो हमेशा कैसा होता है एसिडिक होता है कैसा होता है एसिडिक होता है तो फटाफट से यहाँ पे नोट कर लीजिए कि यह कैसा है यहाँ पर अम्लीय है यानी कि एसिडिक यह यहाँ पर होता है बहुत बढ़िया चलिए अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ठीक है मैं साइड हो जाती हूँ मतलब साइड साइड करके पता नहीं कहां भेजोगे मुझे ठीक है चलो साइड हो गई मैं यहाँ पर ठीक है इंद्रेश वेरी गुड सभी को नमस्ते बेटा चलो अब जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अब बटेटो ट्यूबर बीन कट इनटू टू टू हॉल्स फ्यू ड्रॉपीन सोलूशन आर प्लेस्ड ऑन सरफेस है कि एक आलू है ठीक है क्या है एक हमारे पास आलू है आलू को हमने क्या काम किया दो भागों में बांट दिया आलू को हमने क्या किया दो भागों में कट कर दिया कट करने के बाद हमने क्या काम किया कि आयोडीन की कुछ बूंदे हमने इसके सरफेस के ऊपर डाल दी जो कटा हुआ सरफेस था उसके ऊपर डाल दिया तो इसमें जो रंग परिवर्तन देखा जाएगा वो किस तरीके का रंग परिवर्तन यहाँ पर देखा जाएगा तो सबसे पहले तो मैं बता दू की जो आयोडीन है वह क्यों यूज किया जाता है कि क्या इसमें स्टार्च है या नहीं है तो स्टार्च हैप्पी शिवरात्रि सभी को नमस्ते नमस्ते तो जो यहाँ पर अगर आप देखो तो जो भी आपका स्टार्च है या नहीं है इस बात को जानने के लिए ही यहाँ पर आयोडीन का यूज किया जाता है तो जैसे ही आप यहाँ पर देखते हैं तो आयोडीन की जो ड्रॉप होती है आयोडीन का जो कलर होता है वो भूरे रंग का होता है और जैसे ही यह आलू के ऊपर गिरता है वैसे ही इसका कलर ब्राउन से कैसा हो जाता है ब्लू ब्लैक कलर का यह यहाँ, यहाँ पर हो जाता है ठीक है बात समझ आ गई तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए नमस्ते दानिश नमस्ते सभी को ठीक है हैप्पी शिवरात्रि बेटा Sure हैप्पी शिवरात्रि पर पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं Who among the following was awarded Nobel Prize for path breaking contributions to develop treatment against Parkinson's disease? चलिए जल्दी से आंसर करना है आपको कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा चलो जल्दी से बता दीजिए नमस्ते नमस्ते सभी को नमस्ते यहाँ पर बताइए जल्दी से आंसर करना है कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बहुत बढ़िया आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो ए आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही है ठीक है कौन सा ए आंसर अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में कार्लसन के बारे में बात करते हैं तो उन्होंने ही सबसे पहले यहां पर बताया कि जो पार्किंसन नाम का रोग है उसको हम यहाँ पर रोक सकते हैं अब यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि ये जो पार्किंसन डिजीज है यह क्या है तो आपको बताना है कि जो भी हमारा पार्किंसन नाम का का डिजीज होता होता है है वह एक तरह नर्वस डिसऑर्डर यानी कि एक तंत्रिका तंत्र की बीमारी होती है और इसको रोका जा सकता है इस बात का काम यहाँ पर कौन किया था आप बताएंगे अर्विद कार्लसन ने यहाँ पर किया था ठीक है चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं एंटी इंफ्लामेंट्री यानी कि ऐसी कौन सी एक दवा है जो सूजन को कम करने का काम यहाँ पर करती है यानी कि एंटी इन्फ्लामेंट्री इन्फ्लामेंट्री मतलब जो सूजन आ जाता है लाल कलर का हो जाता है गरम गरम सा महसूस होता है है ना तो जो पेनफुल जगह है यानी कि दर्द को रोकने के लिए यहाँ पर किस दवा का यहाँ पर यूज किया जाता है चलो जल्दी से करेंगे यहाँ पर बताइए फटाफट से कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा देखते कितने बच्चे यहाँ पर इसका बिल्कुल सही आंसर करते हैं तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर आप यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा तो आप में से काफी ऐसे स्टूडेंट होंगे जिनके लिए नया नया क्वेश्चन है तो वो इसको यहाँ पर नोट कर सकते हैं क्या नोट कर सकते हैं कि अगर हम इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस के बारे में बात करते हैं तो जो भी इंफ्लामेंट्री रिएक्शंस हो रही हैं या बॉडी में कहीं भी सूजन आई हुई है तो उस सूजन को कम करने के लिए हम जिस का, जिस का, जिस ड्रग का का दवाई हम यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं उसको क्या जाता है यहाँ पर? सोन यहाँ पर कहा कहा जाता जाता है 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 पर पर ना ये आप लोगों के लिए नया था बिल्कुल आगे हम यहाँ पर बात करेंगे विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी डिप्रेसेंट अब जैसे लोगों को अवसाद होता है कई लोगों को यहाँ पर डिप्रेशन वगैरह हो जाता है तो उस डिप्रेशन से बचने के लिए उस डिप्रेशन को रोकने के लिए जो ड्रग का यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या यहां पर कहा जाता है चलो जल्दी पर... <coughs> से आंसर करेंगे यहाँ पर जल्दी से बताइए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाए हो जाएगा किसने डिसलाइक कर दिया <coughs> कोई बात नहीं बेटा डिसलाइक और लाइक से कोई फर्क नहीं पड़ता है आप उसको रहने दीजिए आप लोग सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर पढ़ाई करिए ठीक है चलो बहुत बढ़िया बहुत अच्छा तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है तो अगर आप यहाँ पर बात करते हैं ब्यूरोपियन के बारे में किसके बारे में ब्यूरोपियन के बारे में तो यह एक एंटी डिप्रेसेंट की तरह यूज किया जाता है यानी कि यह अवसाद को कम करने के लिए यहाँ पर यूज किया जाता है तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए जिन बच्चों को नहीं पता है ओके आगे हम यहाँ पर देखते हैं विच ड्रग इज यूज टू क्योर ग्लूकाकोमा अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो जो भी आपका ग्लूकोकोमा होता है यानी कि मोतियाबिंद की जो बीमारी होती है उसको रोकने के लिए या उसके इलाज के लिए किस दवाई का यहाँ पर यूज किया जाता है दानिश परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा अगर आप लोग का गलत आंसर हो जाता है ना तो परेशान मत हो ठीक है परेशान मत हो चलो अब जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर थर्टींथ का यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ये बिल्कुल नया क्वेश्चन है है ना बिल्कुल नया क्वेश्चन है तो परेशान मत होइए ठीक है तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर जो होगा वो हमारा यहाँ पर सी आंसर आपका बिल्कुल सही होगा यानी कि अगर आप देखते हो तो लेरेनो नाम का एक मेडिसिन होता है जिसका यूज हम यहाँ पर मोतियाबिंद के इलाज के लिए करते हैं ठीक है तो ये भी आप लोग के लिए बिल्कुल नया क्वेश्चन है इसको फटाफट से नोट कर लीजिए आप लोग यहाँ पर तो नोट कर लीजिए ले लीजिए इसका यहां पर <coughs> हाँ बिल्कुल वॉट्स वेट ट्यूब हाँ बिल्कुल आपका यहाँ से कवर हो जाएगा परेशान मत हो चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं ऐसा कौन सी यहाँ पर दवाई है ऐसा कौन सा यहाँ पर ड्रग है जिसका यूज हम यहाँ पर पेन रिलीफ के लिए करते हैं यानी कि दर्द से राहत के लिए किस दवा का उपयोग यहाँ पर किया जाता है चलो जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा तो प्यारे बच्चों अभी जस्ट मैंने आपको बताया था अगर हम यहाँ पर ट्रेमेडोल के बारे में बात करते हैं तो ट्रेमेडोल का यूज करके हम दर्द से यहाँ पर राहत पा सकते हैं और इसको हम यहाँ पर पेन रिलीफ की तरह भी यूज यहाँ पर कर सकते हैं तो फटाफट इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए ठीक है ओके? है? चलो, अब हम यहाँ पर के बारे में बात करेंगे विश ड्रग इज यूज एज एंटी डायबिटिक ड्रग यानी कि जो मधुमेह नाम की बीमारी होती है उसको रोकने के लिए हम यहाँ पर किस तरह की मेडिसिन का यूज कर सकते हैं चलिए आंसर करिए यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा फिफ्टींथ की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल आपका सही हो जाएगा ठीक है ठीक है दामोदर नमस्ते जल्दी से बताइए यहाँ पर तो बच्चा अगर आप यहाँ पर देखते हो तो आप देखेंगे मेट फॉर्मिंग की अगर आप बात कर रहे हैं किसकी मेट फॉर्मिंग की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो मेटफॉर्मिंग है एक ऐसी दवा है जो किसका यहाँ पर यूज कर तो उसका यूज करने से हम डायबिटीज की जो बीमारी होती है उसको काफी हद तक हम यहाँ पर रोग सकते हैं ठीक है तो अगर अब हाँ बिल्कुल नए तरीके के क्वेश्चंस हैं बच्चा इसको आप लोग जरूर करिए ठीक है अब काफी बच्चे हैं इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो भाग जाते हैं सोचते हैं कि हमसे बन नहीं रहा उनको ये लगता है कि उनको वही क्वेश्चन अच्छे लगते हैं माइटो कौंड्रिया अरस्तु एरिस्टोटल ठीक है बस यही क्वेश्चन उनको अच्छे लगते हैं बच्चा पढ़ाई क्यों नहीं करते हो आप नई चीजें क्यों नहीं सीखते हो ठीक है अगर आपके लिए टीचर इतनी मेहनत करके इस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से उठा के लेके आ रहा है तो आप लोग भी तो पढ़ाई करिए नहीं आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे भाग जाएंगे कि हमसे बन नहीं रहा बन नहीं रहा तो सीखो ना क्योंकि जब इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आएंगे तब क्या करोगे पेपर छोड़ के भाग जाओगे गलत चीज है ना गलत चीज है बिल्कुल चलो आगे हम यहाँ पर बात करेंगे ड्रग क्योर? Osteoporosis. अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो Osteoporosis नाम की जो बीमारी होती है जो कि विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है किसकी वजह से विटामिन डी की कमी की वजह से हो जाती है और इसमें आप देखते हैं कि जो भी हड्डी होती है वो ऑलरेडी पोरस होती है छिद्रयुक्त होती है लेकिन जब ज्यादा से ज्यादा जो कैल्शियम है वह बाहर निकल करके भागता जा रहा है और आपकी हड्डी कैसे हो जा रही है बहुत ही नुकसानदायक स्थिति में पहुंच रही है फ्रैक्चर बार बार हो जा रहा है मोच बार बार आ जा रही है तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर बात करें तो ऑस्टियोपोरोसिस आम की बीमारी हो जाती है तो इसको रोकने के लिए कौन सी दवाई यहाँ पर दी जाती है तो अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा यानी कि राइस रोनेट करके एक आपका ड्रग होता है एक आपकी जो दवा होती है उसका यहाँ पर यूज किया जाता है ठीक है ओके अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट कोई बात नहीं स्वाति नेक्स्ट हम यहाँ पर क्वेश्चन को देखते हैं किडनी स्टोन्स आर कंपोज्ड ऑफ अगर हम यहाँ पर बात करते हैं कि किडनी में आपके पथरी हो जा रही है किडनी में आपका स्टोन हो जा रहा है तो किडनी में आपका जो स्टोन हो जाता है किडनी में जो आपकी पथरी हो जाती है उस प, वो जो पथरी बनती है वह क्या है रासायनिक तरीके से अगर हम उसको देखें अगर हम केमिस्ट्री से उसको देखें तो वह क्या है चलो जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर ठीक है हिमांशु नमस्ते बेटा जल्दी से बता दीजिए यहाँ पर बहुत बढ़िया तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो वो होगा आपका कैल्शियम ऑक्सिलेट क्या हो जाता है कैल्शियम ऑक्सिलेट तो फटाफट से नोट कर लीजिए और ये क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है तो फटाफट से नोट कर लो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा कैल्शियम ऑक्सिलेट यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर आपका हो जाएगा ठीक है चले अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं देसेस ए स्ट्रांग ड्रग दैट डॉक्टर गिव टू द पीपल टू मेक देम Calm और हेल्प देम स्लीप जब एक ऐसी बीमारी जिसमें दर्द बहुत हो रहा हो या फिर वह बहुत ही मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से यानी कि फिजिकली और मेंटली बहुत ही ज्यादा परेशान हो तो डॉक्टर उसको यहाँ पर एक काफी अच्छी दवाई देता है और यह जो दवाई है ठीक है यह जो दवाई है वो उसको सुलाने में मदद करती है यानी कि थोड़े टाइम के लिए जो पेशेंट होता है उसको नींद यहाँ पर आ जाती है तो अगर उसको नींद आ जाए तो उसको नींद देने के लिए जो दवाई यहाँ पर डॉक्टर बेसिकली जो यूज करते हैं वह कौन सी दवाई यहाँ पर होती है काफी ज्यादा क्वेश्चन इसके ऊपर यहाँ पर पूछा जाता है चलो चलिए सांसा करेंगे यहाँ पर एटीन का कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा तो प्यारे बच्चों आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर जो होगा वह ए आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा बारबी ट्यूरेट क्या हो जाएगा बारबी ट्यूरेट तो बारबी ट्यूरेट की अगर हम यहाँ पर बात करती हैं बहुत बढ़िया ठीक है मोहित थैंक यू तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो जो भी आपका यहाँ पर बार्बी ट्यूरेट नाम का जो दवाई है उसकी अगर आप बात करो तो वह रोगी को किसमें मदद करता है शांत रखने में और उसको सुलाने में यहाँ पर मदद वहा है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं ड्रग इज एज द नॉन एंटी इनफ्लामेट्री ड्रग अब हम यहां पर बात करते हैं एंटी ड्रग के बारे में तो मैंने आपको बताया था कि सूजन को कम करने वाला लेकिन जब सूजन को कम करने के लिए दवाइयां दी जाती है तो बेसिकली स्टेरॉइड का यूज किया जाता है है ना जिसमें लिपिड्स वगैरह होते हैं तो स्टेरॉइड का यूज किया जाता है तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वह ये कि सूजन को कम करने वाला यानी इंफॉर्मेशन को कम करने वाला दवाई लेकिन जो स्टेरॉइड का ना बना हुआ हो जो स्टेरॉइड का ना बना हुआ हो उसको यहाँ पर क्या कहा जाएगा तो उस टाइम पे जो आपका आंसर होगा वो अगेन क्या हो जाएगा इबू, इबू फ्रेम आपका यहाँ पर आंसर होगा एबू प्रोफे ईबू प्रोफे उसका यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए हाँ मनीष डॉक्टर बना के छोड़ोगे बेटा ये सारे ही सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं ये सारे के सारे परिवर्धन नमस्ते बच्चा ये सारे के सारे जो क्वेश्चन हैं वह आपके यहाँ पर आ चुके हैं ठीक है तो फटाफट से नोट कर लीजिए इसका जो आंसर है वो क्या था डी आंसर बिल्कुल सही था अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि द आर्टिफिशियल हर्ट वॉज इन्वेंटेड बाय अगर हम कृत्रिम हृदय के बारे में बात करते हैं तो जो कृत्रिम हृदय है उसका आविष्कार यहाँ पर सबसे पहले किसने किया था चलो जल्दी से बता दो यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ज्यादा स्ट्रेस या फिर टेंशन लेने से घबराहट होती है क्या और माइंड में साइड वाली नसों में दिक्कत होती है क्या हाँ बिल्कुल स्वाति बिल्कुल बिल्कुल ठीक है दानिश टिंकू ओके अब हम यहाँ पर बात करेंगे जल्दी से आंसर करना है कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा तो डियर स्टूडेंट्स आंसर की अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो आपके पॉल विंशल है कौन पॉल विंशल है इनके अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो इन्होंने ही आर्टिफिशियल हर्ट यहाँ पर बनाया था और इसीलिए जो आंसर है वह क्या होगा डी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में यह पूछा गया है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ड्रग इज यूज एज एन एंटीबायोटिक अगर हम यहाँ पर एंटीबायोटिक के बारे में बात करते हैं तो एंटीबायोटिक मतलब क्या होता है हमेशा मैंने आपको बताया है कि जब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारियों को ठीक करने के लिए या फिर बैक्टीरिया या जीवाणु को मारने के लिए जिस ड्रग का हम यहाँ पर यूज करते हैं है, है ना जिस ड्रग का हम यहाँ पर यूज करते हैं उसको क्या कहा जाता है एंटीबायोटिक कहा जाता है तो एंटीबायोटिक के रूप में किस दवा का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है चलो चलिए आंसर करेंगे कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा तो आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पर सी ऑप्शन क्या आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं किसके बारे में एजिथ्रोमाइसिन के बारे में और ये बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है बहुत ही फेमस एंटीबायोटिक है और बहुत ही रिपीटेड यह क्वेश्चन आपका आया भी हुआ है है ना तो इसको नोट कर लीजिए जल्दी से यहाँ पर कि अगर हम बात करते हैं तो जो आपका एंटीबायोटिक नाम की जो बीमारी होती है उसकी अगर आप बात करो तो एजिथ्रोमाइसिन नाम का जो दवाई है वह एंटीबायोटिक के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाता है ओके तो अगर बच्चों आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब करिए और साथ में ही आप साइंस हेवन चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और यहां पर मैं आपको एक बार बता देती हूँ कि जो आपका डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उसमें लिंक दिया हुआ है अगर अभी तक आपको वो चैनल नहीं मिला है मेरा तो उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर यहाँ पर कर सकते हैं और सब्सक्राइब यहाँ पर कर सकते हैं ठीक है, समीर, जो मेरी होती है वो यहाँ पर रोज आठ बजे से होती है और सात बजे और दस बजे साइंस सेवन चैनल पर यहाँ पर होती है नमस्ते अजय नमस्ते चलो ठीक है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका वो बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और वह है यहाँ पर एलर्जी तो के बारे में बात करते हैं आप सभी को पता है ना कि जो एलर्जी होता है वह क्या होता है एलर्जी जो ठीक है मनीष एलर्जी जो होता है वह क्या होता है तो बच्चा अगर हम यहाँ पर एलर्जी के बारे में बात करते हैं तो जब हमारी बॉडी में किसी भी तरह का कोई भी संक्रमण या फिर इंफेक्शन हो जाता है तब हमारी बॉडी में क्या दिखाई देता है एलर्जी यहाँ पर दिखाई देता है ठीक है और यहां पर आप देखेंगे कि एलर्जी को ठीक करने के लिए कौन सा ड्रग कौन सी औषधि यहाँ पर दी जाती है तो आंसर आपको तो करना है ए क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा फैक्सोफिनेडाइन ठीक है फैक्सो की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो फैक्सो यहाँ पर आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा एक क्वेश्चन है कि दिल का कौन सा हिस्सा धक धक करता है बेटा पूरा ही हिस्सा धक धक करता है कोई एक पार्ट नहीं करता चारों चैंबर इसके लिए पार्टिसिपेट करते हैं लेकिन अगर आप किसी पर्टिकुलर एक पोर्शन एक के बारे में बात कर रहे हो तो जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है वो सबसे ज्यादा मूवमेंट शो करता है ठीक है और इसीलिए जो आपके धड़कन की जो आवाज आती है जो लपडप का साउंड जो सबसे ज्यादा आता है वो लेफ्ट वेंट्रिकल की तरफ ही यहाँ पर आता है अब हम बात करेंगे यहाँ पर किसके बारे में कि जो हमारा एनालिस्टिक्स होते हैं वह क्या काम यहाँ पर करते हैं और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा गया है ठीक है शाहरुख अंसारी नमस्ते सभी को नमस्ते चलिए जल्दी आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका ट्वेंटी थर्ड का बिल्कुल सही हो जाएगा तो आपको यह बताना है कि आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा आप बताएंगे कि पेन को रिलीव करने के लिए यानी कि दर्द राहत की तरह दर्द से आ, दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर की तरह इसका सबसे ज्यादा यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है आज सभी की बात लग रही है हाँ क्योंकि मैम चैनल का नाम क्या है साइंस हेवन साइंस हेवन चैनल ठीक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी यहाँ पर मिल जाएगा ठीक है ओके मोहित पढ़ाई पे ध्यान दीजिए इधर उधर छेड़छाड़ी नहीं करना है आपको पंजाब एस SI की तैयारी करनी है अच्छा ठीक है रवि साइंस आप पढ़ सकते हो साइंस हेवन चैनल से आप साइंस पूरा पढ़ सकते हो वैसे यूपीएसआई के लिए वहां पर नया बैच ज्वाइन कर सकते हैं आप यूपीएसआई की प्रिपरेशन वहां पर चल रही है ठीक है आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं में से किसको रखना है कि जहां पर भी नहीं शब्द आता है ना वहां पे आपको बहुत ही कॉन्शियसली अपना आंसर करना होता है चले अब जल्दी से आंसर करेंगे यहाँ पर ठीक है जी शाह नमस्ते काफी दिन बाद आए हो कहा थे इतने दिनों से ठीक है रवि

आंसर जो होगा बेटा वो यहाँ पर ए आंसर होगा ठीक है आंसर जो होगा वह यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ठीक है तो अगर यहाँ पर बात करें तो जो पौधा होता है जो यहाँ पर पौधा होता है अगर आप यहाँ पर प्लांट्स के बारे में बात कर रहे हैं पौधे के बारे में बात कर रहे हैं तो जो आपका पौधा है वो कैसा है बायोटिक फैक्टर है कैसा है बायोटिक फैक्टर यानी कि वह जैविक घटक होता है ठीक है तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने पर्यावरण के बारे में या एन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं तो जो भी हमारा पर्यावरण या एन्वायरमेंट यहाँ पर होता है उसको आप यहाँ पर ठीक है कुलदीप तो उसकी अगर आप बात कर रहे हो तो पूरा पर्यावरण दो तरह की चीज़ों से मिलकर बना होता है लिविंग एंड नॉन लिविंग नॉन लिविंग हम कहते हैं लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है जैसे एयर है वाटर है सॉइल है टेम्परेचर है सोलर एनर्जी है ग्रेविटी है ह्यूमिडिटी है और एटमॉस्फेरिक प्रेशर और एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं तो ये सब भी कैसे हो जाते हैं आपके अजैविक यानी कि अब यहाँ पर हो जाते हैं लेकिन अगर आप प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो के बारे में बात कर रहे हो तो वो सभी कैसे हो जाते हैं बायोटिक यानी कि जैविक वह यहाँ पर कहलाते हैं चलो अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं विच ड्रग इज यूज एज एन एंटी एंजाइटी ड्रग बहुत अच्छा क्वेश्चन है या अब आप में से मैं आप लोग को बता दूं कि अगर हम यहाँ पर एंजाइटी के बारे में बात करते हैं तो एंजाइटी क्या है बहुत ज्यादा घबराहट होना पसीना आ जाना है ना दिल की धड़कन बहुत तेज यहाँ पर बढ़ जाना अगर हम इन सब के बारे में बात कर रहे हैं कुलदीप उसके लिए भी मैं एक नया सेशन लेके आऊंगी परेशान मत हो बाकी आप साइंस बेटा यहाँ से कर सकते हो साइंस ऑलमोस्ट हर जगह सेम ही होता है बस पूछने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है है ना तो परेशान मत होइए चलिए

यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं कैमल इज ए डिजर्ट एनिमल यानी कि जो भी यहाँ पे ऊंट होता है वह एक रेगिस्तानी जानवर है दैट कैन लिव विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज बिकॉज और वह कई दिनों तक बिना पानी पिए वह आसानी से रह सकता है ऐसा क्यों ठीक है ठीक है जिशाल तबियत का ध्यान रखिए ठीक है दीप ज्योति इसके लिए मैं कुछ करती हूँ बेटा ठीक है बिरबल जल्दी बताएंगे इसका ट्वेंटी आप भी काफी दिनों बाद आए हो जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है है ना तो आंसर की अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर जो होगा वह डी आंसर पर बिल्कुल सही होगा उपरोक्त में से सभी क्या आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी तो फटाफट से इसको यहाँ पर नोट कर लीजिए तो जो भी यहाँ पर बूट होता है जो भी यहाँ पर कैमल होता है अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो इसको कई दिनों तक पानी की जरूरत नहीं होती है ये अपनी बॉडी के अंदर जो फैट को स्टोर करके रखता है अब मैंने बहुत ही शॉर्ट वीडियो यहाँ पर बनाई थी वो शॉर्ट वीडियो साइंस सेवन चैनल पर तो चले यहाँ पर नहीं चल पाई पर मैं आपको बता देती हूँ कि अगर हम किसी भी कैमल के हम्प के बारे में बात करते हैं यानी कि कोई भी ऊट है उसके कुबड़ के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे नॉर्मली एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ कि जो कुबड़ होता है उसमें क्या स्टोर होता है आप में से 90 परसेंट जो बच्चे हैं वह ये बताएंगे कि अगर हम कुबड़ के बारे में बात कर रहे हैं तो कुबड़ में पानी स्टोर होता है ऐसा आप बताओगे लेकिन ये पूरी तरीके से गलत कॉन्सेप्ट है अगर हम कुबड़ के बारे में बात करते हैं तो कुबड़ में क्या स्टोर होता है बेटा आप बताएंगे फैट स्टोर होता है और इसी फैट का बार बार ऑक्सीडेशन हो जाता है और उसकी वजह से बॉडी के अंदर क्या बनता है वाटर बनना शुरू हो जाता है जिसका यूज अगर हम देखें तो कैमल यहां पर उसका यूज करता है इसके अलावा उसके पे पेट की अगर हम बात करते हैं तो उसके पेट में जो ल्यूमन होता है यानी कि आंतरिक जो एक लेयर होती है उसको क्या कहा जाता है यहाँ पर ल्यूमन कहा जाता है तो उस ल्यूमन में छोटी छोटी सी थैलियां छोटे छोटे से पाउचेस बने हुए होते हैं और उसी के अंदर ही आप देखेंगे कि पानी स्टोर होके रहता है ना कि कुबड़ में ठीक है तो ऊट के कुबड़ में कभी भी पानी नहीं होता परी कभी भी पानी नहीं होता क्या होता है फैट होता है कोई नहीं बताएगा ठीक है और आप जब एग्जाम में ये सब लिखते हो ना गलत हो जाता है आपको लगता है कि सही करके आए थे कैसे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि आपको सही चीज पता ही नहीं है चलो आगे बात करते हैं अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना हमारा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अलावा उसमें अगर हम बात करें तो जो भी हमारा बर्ड फ्लू वायरस है कैन नॉट बी ट्रांसमिटेड थ्रू फूड कुक्ड बियॉन्ड अगर हम चिकन खाते हैं है ना यानी कि पोल्ट्री फॉर्म में जो भी आपका तीतर आता है कबूतर आता है बतख आता है मुर्गा आता है मुर्गी आती है अगर आप ये सब चिकन को अगर आप यहाँ पर खा रहे हैं ठीक है तो यहाँ पर आप देखेंगे कि उसको कब किस तरीके से यहाँ पर कुक किया जाए कितने टेम्परेचर में उसको यहाँ पर कुक किया जाए कि जो बर्ड फ्लू वायरस है वह वा हम तक ना पहुंचे चलो चले आंसर करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा अगर हम यहाँ पर बात करें तो जो बर्ड फ्लू है वह हम तक ना पहुंचे उसके लिए क्या यहाँ पर सही हो जाएगा चलो चलिए इसे बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा बहुत बढ़िया आंसर बी काफी बच्चों ने स्किप कर दिया है मैं आपको बताती हूँ अगर उस चिकन को लगभग सेवेंटी डिग्री सेंटीग्रेड में बहुत देर तक पकाया जाए अच्छे से कुक्ड है अगर वह तो उसके बारे में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो <laughs> हाँ सबको अब लैक खाना है पिटाई करूंगी अभी मैं बतक बना बना के भेज दो सब है बना दो तो अगर पर बात कर रहे हैं तो लगभग डिग्री सेल्सियस के आसपास अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो उसको कुक किया जाता है तो ये वायरस है वो मर जाता है लेकिन मेरे हिसाब से तो नहीं होता ऐसा है ना तो इसीलिए यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं उनको मैं यहाँ पे बता दूं कि जब इस तरह का कोई दिक्कत हो जो नॉन वेजिटेरियन है जो इस तरह की चीजें खाते हैं वो ना ही खाएं उस दौरान तो ज्यादा अच्छा होगा एच फाइव एन वन होता है बेटा यहाँ पे एक बच्चे ने पूछा है कि मैम इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है बहुत पूछा जाता है ठीक है तो एच फाइव एन वन किसके लिए हम यूज करते हैं बर्ड फ्लू के लिए ठीक है और एच वन हम किसके लिए यूज करते हैं स्वाइन फ्लू है ना स्वाइन फ्लू जो सुअर के मांस यानी कि पोर्क खाने की वजह से होता है यहाँ पे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ बर्ड फ्लू के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ठीक है अनुराग ओके आगे हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं नॉर्मल आरबीसी काउंट इन एडल्ट इज अगर हम यहाँ पर किसी भी एक पुरुष के बारे में बात करते हैं तो उसके अंदर जो RBC की जो सामान्य आरबीसी की गिनती होती है वह कितनी यहाँ पर होती है मैम क्वेश्चन बहुत ही टफ है बेटा देखो टफ नहीं था एक्चुअली में आप लोगों ने इससे पहले इसको पढ़ा नहीं था है ना तो इस वजह से आपको टफ लग रहा है है ना बाकी अगर आप देखते हो तो टफ करके कुछ नहीं है जो हमें नहीं आता या जो हमसे सॉल्व नहीं होता टफ हो जाता है और जो हमें आता है वो इजी हो जाता है ठीक है चलिए अब जल्दी से आंसर करेंगे ट्वेंटी एट का कौन सा आंसर होगा तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आंसर की अगर हम बात करते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा फाइव मिलियन यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा फाइव मिलियन यहाँ पर ऑलमोस्ट सही आंसर हो जाएगा ठीक है विशाल काफी बच्चे कह रहे हैं आई एम वेजिटेरियन तो बेटा मैं भी वेजिटेरियन हूँ ठीक है लेकिन जो लोग खाते हैं उनकी बात कर रहे थे अब हम यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं एक एवरेज हर इन ए नॉर्मल पर्सन इज यानी कि एक सामान्य व्यक्ति में प्रति मिनट औसन जो हृदय की धड़कन होती है वह कितनी होती है वह कितनी होती है चलो चलिए से करेंगे यहाँ पर ठीक है अभिजीत कोई बात नहीं आंसर के अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आंसर सही होगा अब ये तो एकदम इजी है है ना देखते ही बता दोगे आंख बंद करके भी क्या आंसर आपको लगा देना है यहाँ पर सी आंसर आपको यहाँ पर लगा देना है तो फटाफट से यहाँ पर नोट कर लीजिए क्या आंसर हो जाएगा आपको बताना है कि आंसर जो होगा वह सेवेंटी टू टाइम्स पर मिनट आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीक है अब आगे इसी क्वेश्चन अब खेलो ठीक है चलो अब बात करेंगे यहाँ पर व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ विनेगर अगर हम यहाँ पर विनेगर के बारे में बात करते हैं तो ठीक है ठीक है परी ठीक है तो परी तुम और तुम अपने पलटन को पूरे अच्छे तरीके से बता देना कि जो साइंस हेवन चैनल है उसको आज ही सब्सक्राइब करोगे तुम ठीक है चलो अब हम यहाँ पर बात करते हैं व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ द विनेगर विनेगर या सिरका की अगर हम बारे में बात करें तो जो सिरका का रासायनिक नाम होता है वह क्या होता है वेरी गुड सबका आंसर सही है तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा एसिडिक एसिड acid यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा तो फटाफट से नोट कर लेंगे कि एसिडिक एसिड पर बिल्कुल सही आंसर होगा अब आप करते हैं इन फूड चेन द सोलर एनर्जी यूटिलाइज्ड बाय द प्लांट इज ओनली अगर हम किसी भी खाद्य श्रृंखला को देखते हैं ठीक है अगर हम यहाँ पर किसी भी खाद्य श्रृंखला को देखते हैं तो उस खाद्य श्रृंखला के अंदर जो प्लांट्स होता है जो पौधा होता है वह सौर ऊर्जा का कितना प्रतिशत ऊर्जा यूटिलाइज कर पाता है चलिए बहुत बढ़िया आंसर है जल्दी से बता दीजिए कौन सा आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है सो मजी कर दूंगी मैं चलो चलिए इस बताओ यहाँ पर ओनली वन परसेंट या टेन परसेंट वन परसेंट वेरी गुड तो आंसर की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं तो आंसर क्या हो जाएगा आप बताएंगे वन परसेंट ठीक है कितना वन परसेंट तो जो भी यहाँ पर सौर ऊर्जा आ रही है उसका सिर्फ और सिर्फ एक प्रतिशत ही हमारे जो प्लांट्स होते हैं वह उसका यूटिलाइज कर पाते हैं और किस उसमें यूटिलाइज कर पाते हैं किस प्रक्रिया से यूटिलाइज करते हैं तब आपको आंसर करना है कि पोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की वजह से यह करते हैं अब सोचो कि वह सिर्फ एक प्रतिशत का यहाँ पर उपयोग कर रहे हैं और उसी से पूरी दुनिया यहां पर चल रही है की बात करते हैं तो उसका जो जहर होता है वह कैसा होता है ये क्वेश्चन अभी आया था लेकिन दूसरे लैंग्वेज में आया था अब देखो वही क्वेश्चन दूसरे लैंग्वेज में यहाँ पर पूछ रहा है वेरी गुड सबको याद है मैंने अभी जस्ट बताया था क्या था यहाँ पर एसिडिक होता है तो जितना भी पॉइजन होता है ना जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं उन सभी के अगर आप नेचर को देखो तो वह अम्लीय नेचर के ही यहाँ पर पाए जाते हैं ठीक है जहर साफी क्यों परेशान हो क्यों रो रहे हो इतना बताओ अब जल्दी से बताओ यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा नहीं नहीं स्वाति थैंक यू सो मच चलो ठीक है हिमांशु निकी गोनू गोनू भी बहुत दिन बाद आए हो बेटा कहाँ रहते हो सब आप लोग ठीक है अनुराग बताओ द ऑयल विच कॉजिस ड्रॉपसी अगर हम यहां पर बात करते हैं ड्रॉपसी के बारे में तो जो ड्रॉपसी है ड्रॉपसी कराने का काम पर यहाँ पर कौन सा ऑयल करता है चलो चलिए से करेंगे यहां पर कौन सा आंसर यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा आपस में लड़ना नहीं है बिल्कुल भी चलिए चलिए सांसर करेंगे यहां पर कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा तो बेटा ड्रॉपसी की अगर हम यहां पर बात करते हैं तो जो ड्रॉपसी होता है वह क्या है आ, कह सकते हो एक तरह से कि आ, तेल में मिलावट कह सकते हो या फिर उसकी वजह से जो आ, खुजली वाले रोग हो जाते हैं या फिर आ, जो आप देखोगे कि कम आ, जो कम क्वालिटी वाले जो तेल होते हैं उनके लिए यह वर्ल्ड मोस्टली यहाँ पर यूज किया जाता है क्या सा वर्ड ड्रॉप्सी यूज उसके लिए यहाँ पर किया जाता है ठीक है तो चलिए आंसर करना है यहाँ पर कि द ऑयल विच कॉजेस ड्रॉपसी इज कौन सा आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा तो आंसर यहां पर आपको यह देखना है कि जो अर्जिमोन ऑयल होता है उसी की वजह से यहां पर क्या हो जाता है ड्रॉपसी हो जाता है ठीक है चलिए अब इसके बाद हम यहां पर नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हम यहां पर देखते हैं हैवी अल्कोहल कंज्यूमिंग कंज्यूमिंग पीपल जनरली डाई ऑफ अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो भारी शराब का सेवन करने वाले जो आमतौर पर लोग होते हैं वह किसकी वजह से यहाँ पे मर जाते हैं ठीक है योगेश बहुत बढ़िया ठीक है हिमांशु बहुत बढ़िया चलो जल्दी से आंसर करो यहाँ पर एक बच्चा गा रहा है जिंदगी एक सफर है सुहाना हाँ बेटा सुहाना ही है पर पढ़ लो पहले ठीक है चलो ठीक है इंद्रेश हिमानी परिवर्धन बताओ जल्दी से कौन सा आंसर होगा थर्टी फोर्थ का बहुत अच्छा सिरोसिस ये तो सभी को पता है ना कि अगर हम अल्कोहल बहुत ज्यादा सेवन करते हैं तो अल्कोहल की वजह से क्या हो जाता है लीवर में डैमेज हो जाता है लीवर हमारा खराब हो जाता है और जब लीवर हमारा खराब हो जाता है तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है सिरोसिस कहा जाता है और इसीलिए जो आंसर होगा वो क्या हो जाएगा बी आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा ठीक है चलिए अब इसके बाद हम यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट के बारे में बात करते हैं ठीक है अब देखो यहाँ पर आप क्या लिखा हुआ है द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अधिकतम जो जैविक क्षति होती है वह किसके द्वारा यहाँ पर होती है वह किसके द्वारा यहाँ पर होती है द मैक्सिमम बायोलॉजिकल डैमेज इज प्रोड्यूस्ड बाय अब यहाँ पर अगर हम डिफरेंट तरह की रेस को देखते हैं डिफरेंट तरह के रेडिएशन को विकिरणों को किरणों को अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो किसकी वजह से सबसे ज्यादा हमें कि कि जो, है, है? जो क्लास होती है बेटा वो सात बजे और दस बजे साइंस हेवन चैनल पर होती है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और यहाँ पर रोज मेरी क्लास आठ से नौ बजे तक होती है और साथ में ही अगर आप देखो तो अन अनअकेडमी एप्लीकेशन में मेरी क्लास सुबह दस बजे पेड कोर्सेज में होती है और दिन के एक बजे मेरी क्लास फ्री लाइव सेशन में होती है जिसमें फ्री में आप सभी स्पेशल टेस्ट मॉक टेस्ट और डिफरेंट तरह के जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेटिव वीडियोज होते हैं वह आप यहाँ पर देख सकते हैं लाइव ठीक है चलो अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं शा, शामली मोहित अब पिटाई हो जाएगी आपकी पढ़ाई पे ध्यान देना है ठीक है बार बार उसको परेशान मत करो हिमानी को पढ़ाई पे ध्यान दो चलो अब जल्दी से बात करेंगे इसका कौन सा आंसर होगा तो प्यारे बच्चों आंसर हम बात करें तो आंसर क्या हो जाएगा गामा रेज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा बहुत सारी बुक में बीटा रेज लिखा है पर आप लोगों को यहाँ पर क्या करना है गामा रेज यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर लगाना है अब हम यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ द एंजाइम इज यानी कि जब हम किसी भी एंजाइम को देखते हैं तो उस एंजाइम उस एंजाइम के प्रोटीन भाग के रूप को हम किस रूप में जानते हैं चले चलिए सांस करेंगे और मैंने आप लोग को यह ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है तो जो भी मेरी यहाँ पर थ्योरी क्लास करते हैं उन सभी को मैंने यहाँ पर पढ़ाया हुआ है है ना तो एपो एंजाइम को यहाँ पर कहा जाता है ठीक है गोलू गोलू के बिल्कुल सही आंसर है तो अगर आप देखते हो तो आंसर क्या हो जाएगा एपो एंजाइम सही आंसर हो जाएगा अब हम यहाँ पर बात करते हैं लिंसिड के बारे में अलसी जो होता है वह किससे यहाँ पर प्राप्त किया जाता है बहुत अच्छा क्वेश्चन है अब देखो जो लिंसिड है वो क्या है फ्लैक्सिड को ही लिंसिड यहाँ पर कहा जाता है ठीक है तो जो आपका सन होता है या सनई होता है उसी से जो सीड निकाली जाती है उसको क्या कहा जाता है यहां पर कहा जाता है अलसी यहां पर कहा जाता है और ये बहुत ही ज्यादा मेडिसिनल वैल्यू अपने अंदर स्टोर करके रखती है बहुत ही आश्चर्यजनिक आयुर्वेदिक गुण इसके अंदर यहाँ पर होते हैं ठीक है चलो आगे हम आप बात करेंगे क्रिसमस फैक्टर इज इन्वॉल्व इन अगर हम यहाँ पर क्रिसमस फैक्टर के बारे में बात करते हैं तो जो क्रिसमस फैक्टर है वह यहाँ पर किससे संबंधित है चलो से करेंगे यहाँ पर कौन सा आंसर यहाँ पर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा थर्टी एट का कौन सा आंसर सही होगा बहुत बढ़िया वेरी गुड तो अगर हम यहाँ पर बात करें तो आंसर जो होगा वो क्या होगा ए आंसर आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ब्लड कोगुलेशन रक्त जमावट ठीक है तो जो आपका क्रिसमस फैक्टर है ये क्या है आपको बताना है ये हमारा पांच छ सात और आठ यानी कि एट्थ फैक्टर एट्थ फैक्टर एट्थ फैक्टर से याद आया एक इस तरह का जीन जो आगे जाकर के कौन सा रोग करता है हीमोफीलिया नाम का रोग यहाँ पर करता है और हीमोफीलिया नाम का जो रोग होता है बेटा उसमें क्या देखा है आपने कि रक्त का जमाव नहीं हो पाता ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाता और जो ब्रिटेन की रॉयल फैमिली है है ना उसमें इस तरह का रोग सबसे ज्यादा देखा जाता है और अगर हम बात करें तो वहाँ क्रिसमस बहुत धूमधाम से मनाया जाता है ब्रिटेन में क्योंकि वो यूरोपियन कंट्री है आपकी तो वहां पर आप देखेंगे कि यह किससे जुड़ा हुआ है ब्लड पॉपुलेशन से यह जुड़ा हुआ है ठीक है बहुत बढ़िया बहुत अच्छा ठीक हुआ है मेरा बहुत बढ़िया चलिए तो ये आज के क्वेश्चन थे अगर आप लोग को यह क्लास अच्छी लगी है तो इस क्लास को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब भी करेंगे लेकिन साथ में आपको क्या करना है कि जो हमारा साइंस हेवन चैनल है कौन सा जो हमारा यहाँ पर साइंस हेवन चैनल है उसको भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिए ये लोगो उसमें लगा हुआ है ठीक है कई लोगों ने फेक चैनल बनाया हुआ है बहुत ज्यादा लोगों ने फेक चैनल बनाया है मेरी फोटो उसमें लगा रखी है है ना उससे कंफ्यूज मत होना यह है लोगो और उसको और लिंक की अगर मैं बात करूं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको यहाँ पर लिंक मिल जाएगा ठीक है तो उस लिंक को आप क्लिक करिए उससे आप सीधे यहाँ पे साइंस हेवन चैनल पर पहुंच जाएंगे चलिए तो आज की क्लास को इतना ही रखते हैं, में फिर से हैं अगर आपको है, तो आप आप स्वाति और ना और का बच्चों की उनको बोलो कि साइंस सेवन चैनल पर मुझे मुझे मिले रात के दस बजे और सबसे सब्सक्राइब भी कराओ ठीक है चलो तो दस बजे मैं फिर से मिलूंगी आपको साइंस सेवन में तब तक, तक अपना ख्याल रखिए थैंक यू सो मच टेक केयर बाई बाय